क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग्स आई है कि आप प्रेजेंट में जो सिचुएशंस को जी रहे हैं वो आप पास्ट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं? आई मीन डेजा वो, वेल हर रोज दुनिया में 80% तक लोग डेजा वो को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हर दिन दुनिया के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपने पास्ट को एक बार फिर से अपने प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इतने सारे लोग अपने फ्यूचर को अपने पास्ट में ही एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या ये सच है या नहीं? क्या वाकई में पास्ट और फ्यूचर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? वेल, साइंटिफिकली हम इसका जवाब हाँ में भी दे सकते हैं और नहीं में। दरअसल फिलोसफी में थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इटर्नलिज्म। इसमें क्लियरली बताया गया है कि पास्ट और फ्यूचर यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर हमें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है, यानी किसी इंसान का फिजिकल और मेंटल स्टेट, तो इसका मतलब हम उसके पास्ट के बारे में भी जानते हैं और पास्ट प्रेजेंट के बल पर हम उसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फिर सारी चीज़ें रियल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के सामने वाटर वेपर्स रखते हैं तो उसे उसके फिजिकल स्टेट के बारे में तो आइडिया होगा ही, लेकिन उसे ये भी पता होगा कि ये वेपर्स पहले लिक्विड स्टेट में थे और अपने फ्यूचर में ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। बेसिकली इस थ्योरी के हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, इसलिए पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इस थ्योरी पर एक्चुअली न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों ही यकीन करते थे। तो आइए अब हम इन दोनों की थ्योरीज पे भी नजर डालते हैं। अब हम इतना तो जानते ही हैं कि यूनिवर्स में चार डायमेंशंस मौजूद हैं, तीन स्पेस की, एक टाइम की। अब इसमें न्यूटन ने तीन स्पेस की डायमेंशंस को एक बुक कंसीडर किया, जिसमें एक बुक की लेंथ, दूसरी बुक की विड्थ और तीसरी बुक की हाइट। अब न्यूटन के हिसाब से बुक के अंदर मौजूद पेजेस स्पेस एट डिफरेंट टाइम है। जैसे अगर इस बुक के पेजेस को फ्लिप किया जाएगा तो उन पेजेस पर मौजूद यूनिवर्स, उसके अंदर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग हमें नजर आए, और यही सब कुछ आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी हाँ, आपका किसी के साथ बातें करना, चलना फिरना, एस्ट्रॉइड्स का नीचे गिरना, डायनासोर का खत्म हो जाना, ये सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम पहले से ही सेट है, बस टाइम के हिसाब से हम हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यानी कि न्यूटन के हिसाब से यूनिवर्स बस वो डिफरेंट पेजेस थे, लेकिन आइंस्टाइन के केस में ऐसा नहीं है। अब न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स एक टू डायमेंशन पेज है जिसे एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा गया है, लेकिन आइंस्टाइन ने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, अगर हम इन पेजेस को पूरी तरह से जूम आउट करके बाहर की पर्सपेक्टिव से देखें तो पेजेस एक बुक बना रहे हैं, लाइक अ क्यूबॉइड। यानी के यूनिवर्स 2D पेज नहीं बल्कि 3D क्यूबॉइड है, और तभी हमें मिली आइंस्टाइन की थ्योरी ब्लॉक टाइम। आइंस्टाइन की थ्योरी भी न्यूटन की थ्योरी जैसी ही है, बस हम इसमें न्यूटन के यूज वाली बुक को अब वर्टिकल कंसीडर करेंगे। जैसे ही आप बुक को लेफ्ट से राइट की तरफ चलाना स्टार्ट करेंगे, टाइम एक डायमेंशन में मूव होने लग जाएगा, चीजें एक डायरेक्शन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये स्ट्रक्चर भी इस थ्योरी में आराम से फिट तो हो जाता है, यानी कि यूनिवर्स एक 3D ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के स्लाइसेस प्रेजेंट टाइम। यानी कि हम जैसे ही वक्त के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, प्रेजेंट इवेंट हमारा पास्ट बन जाता है, फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बन जाता है, और आने वाला वक्त हमारा फ्यूचर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो पास्ट और फ्यूचर एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। अब ये तो हो गई थ्योरीज की बात, लेकिन अक्सर हमने ये सुना है कि जो नसीब में लिखा होता है उतना ही हमें मिलेगा, तो क्या ये बात सही है? सच है। एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर पायनियर है, उनका कहना था कि फैटलिज्म यानी कि हर ऑब्जेक्ट का फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, और उस पर लोगों का बिलीव करने वालों का ये मानना है कि आने वाले इवेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम पास में हुए इंसिडेंट्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मेंटली आपको अपने पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है और ना ही फ्यूचर में रहना है, बल्कि आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है। तो बेसिकली आसान अल्फाज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही टाइम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम इस थ्योरी को लाइट की मदद से टेक्निकली प्रूव कर सकते हैं तो सबसे पहले तो एक बेसिक फैक्ट जो सब लोग ही जानते हैं कि लाइट की स्पीड से और कोई चीज की स्पीड ज्यादा नहीं होती। तो अगर आज इन सितारों को हम देख रहे हैं वो सब कुछ उनका पास्ट है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब लाइट जब यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट से टकराती है, रिप्लाई बैक होकर वापस आती है, उतने के बीच में उसे मिलियन बिलियन सालों का सफर लग जाता है। मतलब जो लाइट जो सबसे फास्टेस्ट यूनिवर्स में चीज है उसको भी बिलियन साल लग जाते हैं, और इसीलिए जिन सितारों को आज हम चमकते हुए देख रहे हैं वो एक्चुअली में मिलियन बिलियन सालों पहले की चमकाहट है। तो जो आज सितारों की चमक है वो आपको नेक्स्ट बिलियन मिलियन सालों में दिखाएगा।
तो अगर ऐसे ही हमें लाइट की मदद से आइंस्टाइन और न्यूटन की इस थ्योरी को प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले यूनिवर्स को एज अ ब्लॉक अज्यूम करना होगा, और इस ब्लॉक के दो डायमेंशन है, एक टाइम डायमेंशन और एक स्पेस डायमेंशन, और हम जो है वो एज एन अर्थ इसके सेंटर में मौजूद है। अब होता ये है कि जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है और वो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक कोन सा क्रिएट कर देता है। अब इस लाइट के कोन के नीचे जो होने वाले सारे इंसिडेंट्स हैं वो पास्ट हैं, और इस कोन के ऊपर होने वाले सारे इवेंट्स अर्थ के फ्यूचर हैं। मतलब जो लाइट हमें अभी दिख रही है वो पास्ट में है, और जो थोड़ी देर बाद नजर आएगी वो फ्यूचर है। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाकई में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये भी अभी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता हो। जी हाँ, हमारे पास एक और थ्योरी भी है, प्रेजेंटलिज्म। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक चेयर है और उस चेयर को हमने पूरी तरह से तोड़ दिया, मतलब वो किसी काम की रही नहीं है, तो क्या आप उन पीसेस को देखकर अभी भी उसको चेयर कहोगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो चेयर कुछ देर पहले हुआ करती थी। अब प्रेजेंट की बात करें तो वो सिर्फ एक लकड़ी है। यानी कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एज अ यूनिवर्स के लेवल पर देखें तो आज जो हम स्टार्स को देख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, लेकिन आगे चलकर जब वही स्टार सुपरनोवा, हाइपरनोवा या किसी ब्लैक होल में ही बदल जाएंगे तब वो हमारा नया प्रेजेंट होगा, और ये ओरिजिनल स्टार एक अनरियल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब इस थ्योरी को मानने वाले इस थ्योरी को इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता। यानी कि प्रेजेंट में लिए गए हमारे डिसीशंस हमारा फ्यूचर को ही डिसाइड करते हैं, और इसीलिए पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता जो कि वाकई में एग्जिस्ट करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। अब ये दोनों में से कौन सी रियलिटी है, ये कौन सी नहीं है, ये तो बस थ्योरीज हैं। तो अब आप लोग बताइए कि आपको इन थ्योरीज में से कौन सी ज़्यादा रिलायबल लगी, और आप किस थ्योरी के साथ जाना चाहोगे।